मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाता है तो वहां से प्रेशर डेवलप होता है, ये हमने किया। फिर हमने इसमें ये किया पास्कल लॉ, फोर्स अपॉन एरिया इज अ कॉन्स्टेंट, ये हमने डिस्कस किया था पास्कल लॉ ऑलरेडी डन एनसीईआरटी में। फिर हमने किया था कि अगर मान लो एक लिक्विड है वेसल में और उसके बेस के ऊपर, और एच हाइट का लिक्विड है तो बेस के ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, एच रो जी, ये हमने किया एच रो जी। फिर हमने किया अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कि अगर मान लो ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है एच है, तो यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस, नीचे प्रेशर ज़्यादा है ऊपर कम है तो प्रेशर का डिफरेंस कितना है एच रो जी, ये हमने किया। फिर हमने इसमें काम की चीज़ ये की कि अगर मान लो ऐसे कुछ पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट का प्रेशर क्या है पी एटमोसफेयर, बी पॉइंट का प्रेशर क्या है पी एटमोसफेयर, सी प्रेशर एट सी माइनस प्रेशर एट बी क्या है एच वन रो जी, और क्योंकि बी पॉइंट का प्रेशर तो पी एटमोसफेयर है तो सी पॉइंट का प्रेशर क्या है पी एटमोसफेयर प्लस एच वन रो जी, तो यहाँ का प्रेशर क्या है पी एटमोसफेयर प्लस एच वन रो जी, यहाँ का प्रेशर क्या है पी एटमोसफेयर प्लस एच टू रो जी, तो ऐसे होगा इसमें। नेक्स्ट हमने कुछ स्टेटमेंट्स की थी कि अगर मान लो बहुत सारे ये ट्यूब्स हैं और एच हाइट ऑफ लिक्विड है हर तरफ तो प्रेशर डिफरेंस बेस के ऊपर प्रेशर की वैल्यू लिक्विड की वजह से इरिस्पेक्टिव उसकी शेप क्या है लिक्विड की विल रिमेन सेम एच रो जी एच रो जी एच रो जी, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मान लो एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन में ये किया था अगर एक्सेलेरेशन ए की तरफ है तो प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट दिस पॉइंट इज एच रो जी, जी आएगा, लेकिन अगर मैं ये कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल में लगाऊं तो प्रेशर एट ए माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एट ए माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर इज एटमोस्फेरिक, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एटमोस्फेयर है, एच रो जी जी हॉरिजॉन्टल में तो होता नहीं, एच की जगह क्या टर्म आएगी एल, डेंसिटी की क्या आएगी रो, और जी की जगह क्या आएगा ए, एल रो ए, एल रो ए, क्लियर है यहाँ तक, हॉरिजॉन्टल में कैसे लगाना ये सिखाया था। फिर रैंडम शेप वेसल के ऊपर चलते हैं,